उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अपनी बहन को मजबूर किया, तुम्हें तो नहीं। तुम्हें मजबूर करने वाले लोग और थे। मैं तो हैरान हूँ, बीबी मुर्शिद ने अभी तक तुझे बुलाया क्यों नहीं? अम्मा, क्या इतनी मुलाकात का भी हक नहीं है मुझे अपने शोहर के साथ? कबीर, कबीर के साथ? जी, राबेल उससे मोहब्बत करती थी और वो उसे इस्तेमाल कर रहा था। क्या करें, छोड़ें इसे। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो खुदा की कसम वो तुम्हें जान से मार देता। अगर मैं क्या करूं, मैं किसी यतीम का कातिल बनने का हौसला नहीं रखता। चाहे उसने खानदान की इज्जत का जनाजा ही क्यों ना निकाल दिया हो। मुझे मार डालो, कोई तो मुझे मार डाले। हेराम, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जहर ला दो, तुम्हें मुझे मार डालो। या तो ऐसे कर सको कि मेरी जान ले लो। मुझे नहीं जीना। से किसके साथ? नूर अफरोज़ की कज़न कबीर के साथ। कबीर? कबीर के साथ? राबेल उससे मोहब्बत करती थी और वो उसे इस्तेमाल कर रहा था। राबेल उससे मोहब्बत करती थी और वो उसे इस्तेमाल कर रहा था।
राबे भी उससे मोहब्बत करती थी और वो उसे इस्तेमाल कर रहा था। सुबह सुबह दरवाजा किसने खोल दिया? हाय मैं मर गई। ये तो मेरी बड़ी सरकार है, बड़ी सरकार, बड़ी सरकार, बीबी मुर्शिद, बीबी मुर्शिद, बड़ी सरकार, बड़ी सरकार, होश कीजिए, बीबी मुर्शिद, बड़ी सरकार, बीबी मुर्शिद, छोटी सरकार। Baby Mushad!
बेहोश पड़े हैं। जल्दी आइए। छोड़े सरकार, छोड़े सरकार, छोड़े सरकार, देवी मुर्शिद, छोड़े सरकार, छोड़े सरकार, देवी मुर्शिद, देवी मुर्शिद। क्या हुआ काली? बेबी मुर्शिद, वो बड़े सरकार बाहर बेहोश पड़े हैं। जल्दी आइए। क्या? अब तबीयत कैसी है तेरी मासी मलका? तू जा, अभी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। इससे क्या हुआ? इस तरह तो बीबी मुर्शिद भी परेशान नहीं हुई थी, वो भी इस तरह बेहोश तो नहीं हुई थी। मेरी तबीयत रात से खराब है। लो, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। पता है, ये जो राबेल बीबी बड़ी मनोज साबित हुई है इस घर के लिए। लकी महल को इसकी किस्मत रास नहीं आई, आते ही बड़े सरकार को खा गई। बकवास बंद कर, ना ना करे उन्हें कुछ हो, जो जी में आ रहा है बोले चले जा रही। नहीं नहीं, मेरा हरगिज की मतलब नहीं था। जिस तरह सुबह बड़े सरकार गिरे हुए पड़े थे, लग तो नहीं रहा था कि वो सांसें ले रहे हैं। मैंने कहा ना बकवास बंद कर और जा यहां से। लो, चाय पी लो। जब तक बाबा को होश नहीं आ जाता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर है, अच्छा तो किसी को कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन एक दूसरे को तसल्ली तो देनी पड़ेगी ना। अब वो खतरे से बाहर है, पी लो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता दूं कि ताया सरकार को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जमाने भर में बदनाम कर दूंगा। मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे साथ मुफ्त में बदनाम हो जाऊंगा, मगर मैं हो जाऊंगा।
तुमने सीधा सीधा ताहिर सरकार का खून किया। ये लो, पी लो। ये ताया सरकार को अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ गया? जी भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि ताया सरकार के दिल की बीमारी कहीं तुम तो नहीं हो? नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी, वो होश में आ गए मगर उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं। हार्ट अटैक था, मुझजाती तौर पे जान बच गई है मगर फिर भी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। ठहर के हम मिल सकते हैं उनसे अभी? नहीं, उनकी जिद है कि उन्होंने आराम से मिलना है। आप चले जाएं मगर कोशिश करें कि आप उनसे बात ना करें या कम से कम बोलें। उन्हें हर तरह के स्ट्रेस से दूर रखना है। ताया सरकार, ताया सरकार, बेटा कबीर के पास जाओ और उसे कहो कि औराबेल को तलाक दे दे। ताया सरकार, आप प्लीज फिक्र ना कीजिए, ये मेरा मसला है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। आप बस किसी चीज की स्ट्रेस ना लीजिए, आप प्लीज परेशान ना हो। अब बड़े सरकार की तबीयत कैसी है? बेहतर है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। छोटे सरकार, बड़ी बीबी मुर्शिद का कहाँ है?
वो सब अस्पताल में है। पर खाना चाय वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ साले के घर से आ रहा है। आप लोग दुआ करें, मैं कुछ देर बाद फिर से जाऊंगा। इधर भी सोनी ने नूर अफरोज के मरते हुए ताए को छोड़कर इसकी हजूरी में खड़ा हो जाए। तू क्या छोटे सरकार पर नजरें जमाई खड़ी है? फाजल का छोटे सरकार की जिससे जाकर करनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ गड़बड़ चल रही है, वो भी तेरी नाक के नीचे। छोटे सरकार का और नूर अफरोज का चक्कर चल रहा है, इन गुनहगार आंखों ने खुद देखा है। चल चल तू अपना काम कर, चल चल। ठीक है ताया सरकार। आपको पता है उन्होंने होश में आते ही क्या कहा? उन्होंने कहा कि कबीर को कहो कि वो रबील को तलाक दे दे। क्या क्या कहा छोटे सरकार? मलका चाची, कबीर ने रबील से निकाह कर लिया। मेरा रबील से निकाह हुआ ही नहीं। पर कबीर अब इस निकाह से मुकर गया। ताया सरकार चाहते हैं कि कबीर रबील को तलाक दे दे। मगर ये काम इस तरह करना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो, ताकि रबील बीबी से फिर से आपका निकाह हो सके। पता नहीं, मुझ में ये पूछने की हिम्मत न थी और डॉक्टर्स ने उन्हें बोलने से मना किया था। कबीर कहाँ होता है आजकल? पता नहीं छोटे सरकार, हमारा तो बहुत दिनों से उससे रास्ता ही खत्म हो गया। मुझे उससे मिलने जाना है, देखिए क्या कहता है। नहीं क्यों नोरा फिरोज, मुझे लगता है मेरी वजह से मेरे भाई की नस्ल तबाह हो जाएगी। वो समझता ही नहीं कि वो किन लोगों से टकरा रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? या मेरे मौला, ये तो कमर ही टूट गई है दुख सहते सहते। अब तो तू अपना कर्म कर मेरे मालिक, मुझ पर से ये दुखों का बोझ उतार। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। Thank you.
जब एक बार मैंने सब्र कर लिया था तो अल्लाह पाक मुझे बार बार क्यों आजमा रहा है? पता नहीं, ये कोई सवाल करने की जगह थोड़ी है। उससे तो सिर्फ डरते रहना चाहिए। आप कबीर से ना मिले ना। आया सरकार का हुक्म है तो उसे कहें अपनी बीवी को आके ले जाए। खानदान वालों की नजर में वो मेरी बीवी है। पर है तो नहीं ना। लगता है बना के ही दम लेंगे ताया सरकार। मैं नहीं सह सकूंगी। सहना पड़ेगा। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। इसका मतलब है आप बदल गए हैं। जब मैं तड़प रहा था, तुमसे कह रहा था कि मुझे नहीं करनी शादी, तो तुम्हें अपना बाप याद आ गया था। अब उनसे मोहब्बत कहाँ गई? वो नहीं जी सकते जमाने में रुसवा होकर। वो सुलग सकते हैं, धीरे धीरे दिल को गम के तेजाब से गला सकते हैं, मगर इज्जत के बगैर नहीं जी सकते। खानदान के सामने अपना मर्तबा छोटा नहीं कर सकते। तुम्हें नजर नहीं आता कोई दुख उनको हिला नहीं सका, सिवाय बदनामी के दुख ने जिसने उन्हें बिस्तर तक पहुंचा दिया। पापा, मैं तो डर ही गई थी। आप तो इतने बहादुर हैं, फिर ये अचानक ऐसे दिल छोड़ के क्यों बैठ गए? सरकार, ताया सरकार, प्लीज मेरी बात सुने। प्लीज आप बाहर जाएं। मजीद रिश्तेदार इनको नहीं मिल सकते, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गुड्डी बेटा, तुम घर जाना चाहती हो तो चली जाओ बेटा। अल्लाह के फजल से जेठ जी अब ठीक है। रात तक कमरे में भी शिफ्ट हो जाएंगे। तुम वैसे ही बैठ बैठ के उकता गई हो,
नहीं खाला अम्मी, जब तक बाबा रूम में शिफ्ट नहीं हो जाएंगे मुझे घर में कैसे चैन मिलेगा। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। राबी लापी, क्या हुआ? बाबा ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इसकी तो आदत है लोगों को डरा के रखना। अरे बहना, हद करती हैं आप भी। अब आपकी बहू डर गई अगर तो आप मेरी बहू से कसर निकालने लगी। मेरी बहू कौन सा लोगों को डराती है, ये तो बहुत मासूम और चिड़िया जैसी है। मेरी बहू भी बहुत मासूम है। अच्छा जी, अल्लाह आपको आपकी बहू के साथ खुश रखे और हमको हमारी बहू के साथ। ये इतनी बुखलाई हुई क्यों है? ताया सरकार को देखने गई थी, कहीं उनके इस हाल की वजह ये तो नहीं, कहीं उन्हें ये सब पता तो नहीं चल गया। मेरे ख्याल में अब मेरी बारी है उनको मिलने की। अगर ये वजह होगी तो उनका रवैया यकीनन मुझसे बुरा होगा। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अब मैं जरा ताया सरकार को देख के आता हूँ। नहीं साले भाई, वो डॉक्टर ने मिलने से मना किया। मैं डॉक्टर से कहूंगा कि मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। या अल्लाह, अगर ये ताया सरकार के पास पहुंच गए तो उनकी नाराजगी इन्हें सब बता देगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ताया सरकार को जबरदस्ती निकाह कराने पे साले भाई पे गुस्सा ना हो? वो तो यही समझेंगे ना कि मेरी तरह साले भाई भी धोखेबाज है, इस धोखे में शामिल है। राबेल, बेटा साईं की हालत अब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं ताईजान। सुबह सरकार की हालत देखकर तुम तो बेहोश हो गई थी। अच्छा वो सुबह? जी बस मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जी तुम्हें मैंने एक काम करने को कहा था, तुमने कर लिया? जी जी बस मैं आपका कमरे में शिफ्ट होने का इंतजार कर रहा था। जब तुम्हें मेरी शादी पे किसी ने इनवाइट नहीं किया तो तुम्हें मेरी शादी का पता कैसे चला?